गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर फाइन. डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू आवर थर्ड सेक्शन ऑफ चैप्टर 14 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज आवर एनवायरनमेंट. इन द प्रीवियस सेशन वी हैव लर्नड अबाउट एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन. सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक लैंड पॉल्यूशन. तो चिल्ड्रन, क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज हैं कि लैंड पॉल्यूशन होता है? ओके, नाउ लेट गेट स्टार्टेड. डंपिंग ऑफ वेस्ट्स लाइक प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बॉटल्स एंड ग्लास कॉजेज लैंड पॉल्यूशन. क्या होता है कि जब हम जो प्लास्टिक मटेरियल होता है लाइक बैग्स, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन्स आती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स आती हैं, प्लास्टिक बैग्स आते हैं, ग्लासेस, कांच को जब हम ऐसे ही ज़मीन पर फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि लैंड पोल्यूशन होता है. ओके, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर्स रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड लीड्स टू लैंड पोल्यूशन. और आपको पता है कि जो फार्मर्स होते हैं, जब वो अपने फील्ड में क्या करते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स अपनी क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए अपनी अपने फील्ड्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स जब वो डालते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो नेचुरल सॉइल होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है, और ये भी एक लैंड पॉल्यूशन का रीज़न बनता है. इसके अलावा जब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स वाला जो वाटर होता है, अगर ये हमारे अनदर वाटर बॉडीज़ में भी ऐड होता है, उससे भी वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी होती है. तो लैंड पोल्यूशन तो होता ही है, वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी होती है. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लैंड पोल्यूशन लीड्स टू सॉइल लूजिंग इट्स फर्टिलिटी एंड बिकमिंग बैरन. और आपको पता है कि अगर लैंड पोल्यूशन बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो अपनी फर्टिलिटी यानी उपजाऊता को बिल्कुल खो देती है, और वहाँ की जो लैंड होती है यानी जहाँ कंटिन्यूसली लैंड पोल्यूशन है, और वहाँ की सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देगी, उपजाऊता खो देगी, और वो और सॉइल में एक डिसीज़ हो जाती है जिसे हम कह सकते हैं बैरन, यानी कि वो मिट्टी, वो ज़मीन बंजर हो जाती है. यहाँ मीन्स वहाँ आप कोई भी ट्री या क्रॉप या कोई भी प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते हैं. ओके, सो ये इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को हिट करता है, इफ़ेक्ट करता है, बैडली इफ़ेक्ट करता है. सो व्हाट कैन वी डू द अवॉइड लैंड पोल्यूशन? वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक बैग्स, रेजर्स. ओके, वी शुड थ्रो इन डस्टबिन. Reduce the use of chemical when cleaning or any other activity or doing any other activity. Okay. As you can see in these pictures, कि किस तरह से अगर अपन गार्बेज इधर उधर फेंक देते हैं, तो पूरी जो सॉइल है, वहाँ का जो एरिया है, आप कभी नोटिस भी कर सकते हैं अपने आसपास, अपने जो सिटी है उसके आसपास के एरिया होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गार्बेज होता है, वहाँ की जो लैंड है वो कितनी ख़राब हो जाती है. ओके, और इस तरह से इसे कहते हैं बैरन लैंड, यानी बंजर भूमि, कि यहाँ हम और ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते हैं, सॉइल कम्प्लीटली अपनी फर्टिलिटी को खो देती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नॉइस पॉल्यूशन. बसेस, ट्रक्स, लाउड स्पीकर्स, क्रैकर्स एंड एयरक्राफ्ट लैंडिंग और
सो चिल्ड्रन, डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट्स लाइक प्लास्टिक बैग एंड प्लास्टिक बॉटल कॉजेज लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, लाउड स्पीकर्स कॉजेज नॉइज पॉल्यूशन. ओके.